21वीं सदी में इंटरनेट आज हर इंसान की जरूरत बन गया है, इसलिए आजकल हर चीज ऑनलाइन ही हो रही है। लेकिन इंटरनेट की इस दुनिया का एक काला सच ये भी है कि यहाँ क्या फेक है और क्या रियल, ये पता करना आसान नहीं होता। और इसी बात का फायदा उठाते हुए रोज इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जो दिखने में तो एकदम रियल दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही होती है। तो आज रहस्य टीवी के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। अभी हाल ही में इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया गया था कि जर्मनी में रहने वाले एक दंपत्ति के घर एक ऐसा बच्चा जन्मा है जिसके 3 आंखें हैं। हालांकि पहले भी ऐसी खबरें सामने आती रही थी, लेकिन आज तक ऐसी घटनाओं का कोई वीडियो सामने नहीं आ पाया था, लेकिन इस बार बतौर प्रूफ ये वीडियो पेश किया गया है। Say hi. It loves you so much. अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंसान यही समझेगा कि वास्तव में ये एक चमत्कार है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की लेफ्ट वाली आंख और सिर वाली आंख का मूवमेंट एकदम सेम है, यानी जैसी हरकत बाईं वाली आंख में हो रही है सेम वैसी ही हरकत सिर वाली आंख में भी हो रही है। यानी किसी ने इस वीडियो में दिख रहे बच्चे की लेफ्ट वाली आंख के हिस्से को कॉपी कर बड़ी बारीकी से सिर के बीच में पेस्ट कर दिया। एडवेंचर का शौक तो काफी लोग रखते हैं, लेकिन इस इंसान जितना तो शायद ही कोई रखता होगा। अगस्त 2014 में वायरल हुआ ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जहां एक आदमी पहले तो एक बवंडर का पीछा करता है और फिर उस बवंडर के बेहद नजदीक पहुंच जाता है। ये वीडियो इतना शानदार था कि महज कुछ ही दिनों में इसने इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के एक प्रोडक्शन हाउस द वुल सीड कंपनी के द्वारा VFX के जरिए तैयार किया गया था, क्योंकि ये कंपनी कुछ ऐसा तैयार करना चाहती थी जो एकदम रियलिस्टिक लगे और लोग ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर करने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए इस कंपनी ने 2 साल में 8 ऐसे फेक वीडियो क्रिएट किए जो दिखने में एकदम रियल थे। इवन CNN, NBC, फॉक्स और CBS जैसी इंटरनेशनल मीडिया भी इन वीडियो को रियल मानकर टेलीकास्ट करती रही। इसी का नतीजा रहा कि बिना किसी पेड प्रमोशन के मात्र 2 साल में इन 8 वीडियोज ने 108 देशों में करीब 205 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए थे। लेकिन इस वाले वीडियो का मकसद थोड़ा अलग था। दरअसल 2014 में एक हॉलीवुड फिल्म इनटू द स्टॉर्म रिलीज होने वाली थी, जिसके प्रमोशन के लिए उसके मेकर्स ने इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसने बेहद कम बजट में फिल्म का ऐसा प्रमोशन किया कि उसने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्पीड इतनी तेज है कि वो पानी के ऊपर भी दौड़ सकते हैं। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक आदमी कुछ दूर से दौड़कर आता है और फिर उसी स्पीड से पानी पर भी कुछ दूरी तक चल पाने में कामयाब हो जाता है। वीडियो को देखकर लगता है कि शायद ये सच हो सकता है, अगर हम भी इसकी तरह ही दिलो जान से कोशिश करें तो। लेकिन क्या है ना कि इस दुनिया में फिजिक्स नाम की भी एक चीज होती है जो आपको ऐसा करने नहीं देगी। तो फिर इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या थी? दरअसल ये वीडियो एक स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी हाईटेक स्पोर्ट्स ने अपने नए हाइड्रोफोबिक शूज की प्रमोटिंग के लिए बनवाया था। लेकिन जब इस वीडियो को YouTube पर रिलीज किया गया तो उस टाइम कंपनी ने ये बात नहीं बताई कि ये वीडियो उनकी मार्केटिंग का ही एक हिस्सा था, और ना ही इस वीडियो को किसी एडवर्टाइजमेंट की तरह पेश किया गया, जिसके कारण लोग इसे सच मान बैठे। और देखते ही देखते कुछ दिनों में ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद कंपनी ने ये एडमिट किया कि दरअसल ये वीडियो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा था। लेकिन सवाल यहाँ ये था कि भले ही इस वीडियो का मोटिव कुछ भी रहा हो, लेकिन कोई इंसान पानी पर कैसे दौड़ सकता है? तो इसके लिए पहले से ही उस पानी में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिछाया गया था जो दौड़ते समय उस इंसान को एक मजबूत बेस प्रदान कर रहा था, जिसके कारण वो पानी पर दौड़ पाया। 3 अक्टूबर 2013 को इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो आया जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि 3 दोस्त कहीं घूमने जाते हैं, तो उनमें से एक लड़की को वो लोकेशन इतनी पसंद आती है कि वो वहां खड़ी होकर कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाने लगती है। लेकिन तभी अचानक इस वीडियो को कुछ ही दिनों में मिलियंस व्यूज मिले। हालांकि ये वीडियो प्रीव्यू मैगजीन के हैंडबैग का एक एड था, जिसे वीडियो के एंड में हाईलाइट भी किया गया था।
लेकिन कुछ टाइम बाद जब सभी इस एड को भूल चुके थे तो कुछ लोगों ने इसके लास्ट वाले पार्ट को कट करके इसे इंटरनेट पर शेयर कर दिया, जिसके बाद तो लोगों ने इसे शेयर कर करके लगभग सच ही बना दिया था। हालांकि आज भी इंटरनेट पर ऐसे हजारों वीडियोज वायरल होते हैं जिनकी सत्यता पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। अब चाहे इनका मकसद नफरत फैलाना हो या सांप्रदायिक तनाव, वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे किसी भी वीडियो को सच मानने से पहले आपको उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।